वेलकम टू माय चैनल तापोशी हेल्दी डिशेस। आज मैं लेके आई हूँ चिकन भुना मसाला रेसिपी। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिए हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन लिए हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें तेल दे दिए, हरी मिर्च और लाल मिर्च और तेज़पत्ता 5 फोरन को भी दे दिए तेल में। अब मैं प्याज को भी उसमें दे दिए, 1 चम्मच नमक दे दिए, हल्दी पाउडर दे दिए। अब मैं सारे को मिला लूँगी। अब इसको मैं भूनूँगी। 1 टमाटर दे दिए। अब इसको 5 मिनट भूनूँगी। भूनने के बाद अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट को भी मिला लूँगी, सारे अच्छी तरीके से भूनूँगी। अब मैं इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर दे दिए। सारे मसाला पाउडर को भी मिला लूँगी। सारे मसाला पाउडर अच्छी तरीके से मिला लिए। अब मैं इसमें चिकन को भी दे दूंगी। चिकन को भी दे दिए। अब चिकन में मैं सारे मसाला को मिलाऊंगी। सारे मसाला चिकन में मिला लिए। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक दूंगी। 15 मिनट के बाद मैं ढक्कन को निकाल लिए। इसमें मैं कोई पानी नहीं ऐड किए। अब मैं इसको पकाऊंगी अच्छी तरीके से। अब इसको पूरा पानी सूख चुके, अब इसको धीरे धीरे 15 से 20 मिनट भूनेंगे। पंद्रह से 20 मिनट इसको धीरे धीरे से भून लिए। सारे मसाला पक चुके। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दिए। धनिया पत्ता को अच्छी तरीके से मिला लिए। अब इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर दे दिए। गरम मसाला पाउडर को मिला लिए। मेरी चिकन भुना मसाला रेसिपी बन चुकी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।